हेलो गाइस, तो न्यूज़ के अनुसार द ग्रेट रूलर सीरीज़ का सीजन 1 का यही लास्ट एपिसोड होने वाला है। लेकिन अब कुछ वेबसाइट चेक किया तो वहाँ देखने को मिली थी कि 52 एपिसोड्स और ऐड होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर एपिसोड्स ऐड हुए तो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ज़रूर से बता देंगे। तो अब चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुजेन ड्रैगन सन से अकेला लड़ रहा होता है, जहाँ ड्रैगन सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन तभी चेन शाह भी वहाँ मुजेन की हेल्प करने के लिए आता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुजेन के अटैक के बाद ड्रैगन सन हक्का बक्का रह गया होता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक कैसे आई, इस मुजेन को आखिर इसने टेक्निक दी होगी, मैंने तो ऐसी स्ट्रांग टेक्निक आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। जिसके बाद मुजेन वहाँ पर दोबारा से अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट की और ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब देखते ही देखते उस ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से दो और ड्रैगन बाहर निकल कर आ चुका था। वो भी यहाँ पर ड्रैगन सन का बैंड बजाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जिसके बाद मुजेन ने अपने दोनों ड्रैगन को सीधा ड्रैगन सन की तरफ ही भेज दिया था। ये देख कर के तो ड्रैगन सन भी हैरान रहता है, लेकिन तब भी उसने वहाँ पर दोबारा से अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड की हेल्प से काफ़ी डेंजरस वाला अटैक सीधा मुजेन के ड्रैगन के ऊपर ही कर देता है। ये अटैक जैसे ही यहाँ पर मुजेन के ड्रैगन को लगता है, उनकी वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है, और वो दोनों ड्रैगन वहाँ पर बस एक ही अटैक के अंदर वहाँ से सीधा ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, जिसके बाद ड्रैगन सन सीधा मुजेन के साइड ही बढ़ चुका था। लेकिन मुजेन दोबारा से अपने ड्रैगन को वहाँ पर रिवाइव करते हुए सीधा फिर से ड्रैगन सन के पास ही भेज देता है, जो यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रैगन सन को घेर लेते हैं। ड्रैगन सन तो वहाँ पर उस ड्रैगन के चंगुल से बाहर ही नहीं जा पा रहा था। तो वहीं हम चेन शंग को देखते हैं, जिसने भी वहाँ पर अपने सबसे डेंजरस अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुजेन ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर ड्रैगन सन का ध्यान भटका जाएगा। तब तक चेन शंग को अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर ड्रैगन सन की जान लेनी है, इसीलिए उसने वहाँ पर अपने सबसे डेंजरस अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये किस तरीके का अटैक होने वाला है, जिसे यहाँ पर इसने एक्टिवेट किया है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर चेन शंग का जो अटैक होता है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था, और वो पूरा का पूरा गोल्डन ऑरा एक जगह इकट्ठा होते हुए सीधा इतना डेंजरस अटैक ड्रैगन सन के ऊपर कर देता है। ऐसा लग रहा था यहाँ पर ड्रैगन सन मारा जा चुका है, क्योंकि उस अटैक से तो पूरी की पूरी ज़मीन ही ऐसा लग रहा था कि फट चुकी है। तो यहाँ पर ड्रैगन सन कैसे ही बच पाएगा, जो देख कर के मुजेन यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद हंस देता है कि चलो अब यहाँ पर ड्रैगन सन का खेल ख़त्म हुआ। उसने यहाँ पर अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा ली है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो वहाँ पर अपने आप ही ज़मीन पर गिरते हुए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो लुओ ली होती है अपने कमरे के अंदर काफ़ी टाइम से मुजेन के आने का वेट कर रही थी। वो सोच रही होती है कि यहाँ पे अब कितने दिन हो चुके हैं, मुजेन अभी तक यहाँ पर नहीं आया, वो कब यहाँ पर वापस आएगा, मुझे उसके बारे में टेंशन हो रही है। वो ठीक भी होगा या फिर नहीं, वो उसका वेट करते हुए बस पूरे घर में चक्कर पर चक्कर लगा रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर मुजेन को लाया जाता है, जो कि अभी यहाँ पर बेहोश था, उसे अभी तक के होश नहीं आया था, इसलिए लुओ ली का उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। जिसके अब कुछ देर के बाद अब मुजेन को देखते हैं, और उसे अब जाकर यहाँ पर होश आ चुका था। वो होश में आने के बाद सबसे पहले लुओ ली को ही ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चले गए। तब उसे लुओ ली अपने सामने दिखाई देती है, जो मुजेन की टेंशन लिए वहाँ पर अब कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो चुकी थी। उसकी वहाँ पर आँख लग गई होती है, क्योंकि काफ़ी दिन और रातों से वो सोई नहीं थी। लेकिन जैसे लुओ ली की यहाँ पर आँख वहाँ पर खुलती है, उसके वहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने अपने सामने मुजेन को देख लिया था, जो पूरी तरीके से ठीक होकर वहाँ पर वो खड़ा होता है। ये देखकर लुओ ली एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुके हो, क्या तुम्हारी चोटें अब ठीक हो चुकी हैं। मुजेन वहाँ पर उसके अब किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सीधा उसे गले लगा लेता है, ताकि उसे बता सके कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैंने अपने दुश्मन का खेल यहाँ पे वो ख़त्म कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लुओ ली वहाँ पर मुजेन से कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस ड्रैगन सन को हराने में, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इतना अब कुछ कर जाओगे, तुमने तो सच में यहाँ पर दिखा दिया कि तुम किसी भी मुसीबत के सामने लड़ जाने के लिए तैयार हो। ये सुनकर मुजेन उससे कह रहा होता है
कि देखो मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था कि दुनिया में कोई भी या फिर यहाँ पे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे सामने आके लड़ूंगा, ताकि अपनी जान मैं क्यों ना दे दूँ, मैं तुम्हें हर डेंजर से बचाने की कोशिश मैं करूँगा। मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे अपने आप को तो स्ट्रांग बनाना ही होगा। जिसकी तो ये बस शुरुआत ही है, जो सारी बातें सुन करके तो लुओ ली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि मूचेन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। मूचेन वहाँ पर लुओ ली से कह रहा होता है, तुम्हें भी अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। मैं भी अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दूंगा, अब चाहे ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल अकेडमी हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए दुनिया के हर डेंजर से लड़ जाएंगे। अब दुनिया में किसी की ताकत नहीं होगी जो हम दोनों को यहाँ पे अलग वो कर सके। ये सुनकर लुओ ली दोबारा से मूचेन को गले लगा लेती है और उसके आंखों से अब वो खुशी के आंसू निकल रहे थे। जिसके बाद हम चेन शंग को देखते हैं, जो वहाँ पर नॉर्दर्न हेवन स्पेशल अकेडमी के एल्डर के पास आकर कह रहा होता है कि ड्रैगन सन तो ड्रैगन डेवन पैलेस से ही आया था, हमें लगता है कि ड्रैगन डेवन पैलेस दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर रहा है। अगर उन्होंने खुद की पावर को फिर से बढ़ा लिया तो हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पेशल अकेडमी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर वाली बात हो सकती है, इसीलिए हमें पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ड्रैगन डेमन पैलेस को हम पहले की तरह कमज़ोर नहीं समझ सकते, जैसा कि अब कुछ सालों पहले हमने उसे हरा दिया था। अब इस बार जब वो दोबारा यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आएंगे तो वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और मुझे अभी लगता है कि वहाँ पर ड्रैगन सन मरा नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से मरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ज़रूर मौका देकर वहाँ से भाग निकला होगा। जिसके बाद वहाँ पर मूचेन आता है, जो चेन शंग से कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे रिसोर्सेज दिए उसकी हेल्प से मैं बहुत जल्दी यहाँ पर रिकवर मैं कर पाया हूँ, और मैं अपने अंदर अपने आप से पहले से ज़्यादा पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी मदद की वजह से ही हो पाई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो सुनकर चेन शंग वहाँ पर कह रहा होता है, मूचेन मैं भी तो यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो पावर है वो सच में कमाल की है, आज तक मैंने किसी को अपना पार्टनर तो नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई भी बड़ी फाइट मुझसे किसी के साथ हुई तो मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहूँगा, ताकि हम दोनों वहाँ पर जाकर अब उस डेंजर को एंड हम लोग वो कर सकें। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? जिस पर मूचेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे बोले और मैं आपका साथ ना जाऊँ, कोई भी यहाँ पर मुसीबत क्यों ना आ जाए या फिर वहाँ पर वो कितना भी बड़ा डेंजर क्यों ना हो, मैं हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ पर शुयान जो होती है चेन शंग से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक महीने बाद हमारा यहाँ पर हंटिंग वॉल कंपटीशन होने वाला है और इस बार के जो भी पार्टिसिपेंट है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा ताकि तुम भी उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सको, वरना हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे लोग ही कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाए और तुम्हारी हेवनली रैंकिंग का जो फर्स्ट पोजिशन है वो भी डेंजर में आ जाए, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। जिस पर चेन शंग कह रहा होता है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे कंपटीशन शुरू होने वाला रहेगा उससे पहले मैं यहाँ पर दोबारा वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा तो जानना ही है मैं अपनी कल्टीवेशन पावर यहाँ पर उतने अच्छे से इंक्रीज़ हो पाएगा, और वैसे भी मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मूचेन और लीजुवान जो है वो दोनों यहाँ पर इस कंपटीशन में बहुत अच्छे से वो यहाँ पर वो टक्कर देने वाले हैं बाकी सारे अपोनेंट को, इसीलिए हमारा सेट तो वैसे भी पीछे नहीं रहेगा, हमारे पास इतने ज़्यादा जाबाज लोग जो हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, कंपटीशन के टाइम पर मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मूचेन वहाँ पर श्वान से पूछ रहा होता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि हंटिंग वॉर क्या होता है, मैं तो उसके बारे में पहली बार सुना है। जिस पर श्वान कह रही होती है, तुम तो अभी यहाँ पर नए नए आए हुए डेसिपल हो ना, यहाँ पर हर साल एक हंटिंग कॉम्पिटिशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, और इसी कॉम्पिटिशन में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है वो उसी की वजह से उनका नाम हेवनली रैंकिंग की लिस्ट में जाता है, और वो लिस्ट हर बार चेंज होती है। तुमने यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो तुम्हारा नाम भी हेवनली रैंकिंग में चला जाएगा, इसलिए तुम इतना अच्छा मौका अपने हाथ से तो जाने नहीं दे सकते। जो सुनकर मूचेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि मुझे अपना नाम उस हेवनली रैंकिंग में लिखवाना होगा। और यहाँ पे इतना बोलते ही द ग्रेट रूलर का सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।